बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो सामान्यतः बुद्धि का, कभी कभी शरीर का और कभी कभी मन का विकास ना हो पाना अपनी सही उम्र में, इसको ऑटिज्म कहा जाएगा। ये समस्या आम तौर पर जन्म से लेकर के 3 वर्ष के अंदर सामने आ जाती है। 3 साल के अंदर आप ये जान जाएंगे कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है जो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, माइल्ड ऑटिज्म, हाइपर ऑटिज्म। इसमें बच्चा चीजों को समझने में समय लेता है और चीजों को काफी बार दोहराता भी है, मन का विकास नहीं हो पाता। इस बीमारी का कारण अनुवांशिक भी माना जाता है, जेनेटिक भी माना जाता है। ज्योतिष ऐसा मानता है कि इस बीमारी का आरंभ गर्भ में होता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उस 9 महीने के दौरान बहुत सारी चीजों को ठीक रखना चाहिए ताकि बच्चे के मन और बुद्धि का जो निर्माण हो वो आगे ठीक रहे। इसीलिए आप देखिए कि गर्भावस्था में ग्रहण के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि गर्भावस्था में माता के ग्रहों का प्रभाव बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है, जरूर आ जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र बहुत साफ कहते हैं कि जब महिला गर्भवती होगी तो खाने में, पीने में बहुत सावधानी रखेगी, पूजा उपासना करेगी, खुश रहेगी और जो इच्छा होगी वो खाएगी, क्योंकि प्रसन्न रहेगी, क्योंकि प्रसन्न मन से एक अच्छे बच्चे के मेंटल लेवल का निर्माण होगा। आजकल मामला उल्टा है, बच्चा गर्भ में है, महिलाओं के ऊपर स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है ऑफिस की वजह से, समाज की वजह से, फैमिली लाइफ में, तो आप देखिए ऑटिज्म की समस्या में वृद्धि भी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या उपाय करें अगर बच्चे के अंदर ऑटिज्म के लक्षण हैं? देखिए, सबसे पहले चिकित्सक से सलाह लीजिए। ये मत सोचिए कि ये कोई भूत प्रेत है, ये कोई तंत्र मंत्र है, जादू टोना, झाड़ फूंक, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। डॉक्टर से सलाह लीजिए और थेरेपी करवाइए। बहुत अच्छी अच्छी थेरेपी डॉक्टर करते हैं, काफी इंप्रूवमेंट होता है। जैसा पहले भी कहा था कि ऐसी स्थिति में धैर्य चाहिए और बच्चे की माता को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी है। बच्चे के लिए माता रोज सुबह और रोज शाम एक मंत्र पढ़ेंगी 108 बार। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र होगा ओम जूं सह, अगर बेटा है तो माम पुत्र पालय पालय, अगर बेटी है तो ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। ये मंत्र पढ़ना है सुबह शाम दोनों समय। बच्चे को सलाह लेकर के एक पन्ना या एक माणिक्य पहनवाने से भी इसमें काफी तेजी से इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन मां के इफर्ट से, डॉक्टर की थेरेपी से और ईश्वर की कृपा से इसमें सुधार होने की संभावना बन जाती है। बहुत बार बच्चे के अंदर समझ की कमी होती है, लेकिन देखिए हर बार समझ की कमी को हम ऑटिज्म नहीं कह सकते। ऑटिज्म के अलावा बाकी चीजें ठीक हैं, लेकिन बच्चा कुछ चीजों को समझ नहीं पाता या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, कभी कभी कर भी देता है। तो अगर बच्चे के अंदर समझ कम है तो क्या मामला है? देखिए ऑटिज्म के अलावा पहले भी आपको बताया कि स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें बच्चे की समझ थोड़ी देर में विकसित हो। ऐसी दशा में बच्चा मिक्स रिजल्ट देता है, मिक्स रिस्पॉन्ड करता है, कुछ चीजों को समझता है और कुछ चीजों को समझने में समय लेता है। यह समस्या कभी कभी पोषण से, यानी नॉरिशमेंट से, बच्चे के खान पान से, उसके पोषण से संबंध रखती है और कभी कभी माहौल से संबंध रखती है। अगर आपके बच्चे की समझ कम है तो इसके लिए बुध और बृहस्पति की सहायता से आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं। क्या उपाय करें?
अगर बच्चे की समझ कम है तो ऐसा होने पर कभी कभी कुछ थेरेपी ऐसी होती है जो बड़ी कारगर होती है, जिसको बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। जो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होते हैं, बच्चों के मनोचिकित्सक होते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें थेरेपी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के खान पान और पोषण पर पूरा ध्यान देना चाहिए और ऐसे बच्चे को रोज सुबह कुछ समय उगते हुए सूर्य, जब सूर्य उग रहा हो तो सूर्य की रोशनी में खेलने के लिए या बैठने के लिए कहें, लाभ होगा। और बच्चे को या तो गायत्री मंत्र पढ़वाइए, अगर वो पढ़ सके 3 बार 9 बार, ठीक है ना, पढ़े तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप उसको बगल में बैठाइए और गायत्री मंत्र 3 बार 9 बार या 27 बार बोल करके उसे सुनाइए। सलाह लेकर के ऐसे बच्चे को एक पीला पुखराज या एक पन्ना उसके गले में धारण करवाइए, उसकी समझ विकसित होगी। और देखिए, मैं फिर कहूंगा कि इन सब मामलों में दोनों चीजें बराबर काम करेंगी, मां का प्रयास, प्रार्थना और डॉक्टर की थेरेपी, सब मिला करके चलेंगे तो बच्चा इंप्रूव कर जाएगा। और अगर आपके बच्चे को ऐसी समस्या है तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए। शुरू में भी मैंने कहा था कि थोड़ा धैर्य रखेंगे तो बच्चा आपका बेहतर हो जाएगा। देखिए, सामान्यतः होता क्या है कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो 1.25 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में बोलना शुरू कर देती हैं, और जो लड़के होते हैं वो 1.5 से लेकर 2 साल के बीच में बोलना शुरू करते हैं। लेकिन अगर ये उम्र क्रॉस हो जाती है, बच्चे 2 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो माता पिता को तनाव होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? देखिए, ऑटिज़म के अलावा कभी कभी बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें ऑटिज़म नहीं होता लेकिन बच्चा देर से बोलता है, और ये बहुत कॉमन समस्या है, बहुत सारे बच्चे देर से बोलते हैं। आम तौर पर बुद्ध के कमज़ोर होने से ये स्थिति बन जाती है, क्योंकि बुद्ध जो है वो वाणी का स्वामी है, तो अगर बुद्ध कमजोर होगा तो ये स्थिति बनेगी। कभी कभी मंगल, राहु और शनि की वजह से भी बच्चा जल्दी नहीं बोल पाता। क्या उपाय करना चाहिए? एक बड़ा इफेक्टिव रत्न है, बड़ा चमत्कारी रत्न है, उसे कहते हैं पेरीडॉट। वैसे तो पन्ने के सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेरीडॉट अपने आप में एक अलग रत्न है, बड़ा गजब का रत्न है। जो बच्चे जल्दी नहीं बोल पाते उन्हें पेरीडॉट जरूर पहना दीजिए, गले में, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को। बच्चे की माता बच्चे के लिए रोज सुबह एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप करेंगी। बच्चे को काले और लाल वस्त्र कम से कम धारण करवाएंगी। इसको और भी इफेक्टिव बनाना चाहती हैं अगर, तो आप सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को पंचामृत बनाइए, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, उसमें गंगा जल, 2 पत्ते तुलसी के मिलाइए, और इस पंचामृत को भगवान कृष्ण को समर्पित करने के बाद अपने बेटे या अपनी बेटी को ग्रहण करने को दीजिए। इससे भी बहुत जल्दी सुधार होना शुरू होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं बराबर इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जो उपाय है, जो पूजा प्रार्थना है, अगर वो माँ करेंगी तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। कि जो 9 महीने के गर्भ का समय होता है वो बड़ा कीमती समय है, क्योंकि उसी समय में बच्चे के मन का और भविष्य का निर्माण होता है। तो एक तो जब कोई महिला कंसीव करती है, उसके कंसीव करने के दौरान आप जरूर देखें, अगर आप ज्योतिषी से सलाह लेते हैं, कि बृहस्पति की पोजीशनिंग क्या रहेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति को जीव कहते हैं, प्राण लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राण भरता भी बृहस्पति है। इसलिए अगर इन 9 महीनों में बृहस्पति अच्छा है तो 80% समस्या तो वैसे ही समाप्त हो गई। दूसरा, उस महिला को उन 9 महीनों के दौरान तनाव से,
डिप्रेशन से, अवसाद से बचना चाहिए, बेवजह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बेवजह की नकारात्मक बातें भी नहीं सोचनी चाहिए। और ये महिला के घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि उस महिला को अच्छा माहौल दें। महिला के लिए अच्छा माहौल प्रोवाइड नहीं कर पाएगी अपने आप को, इसलिए घर वाले भी उसके साथ अच्छी तरह से पेश आए, उसके मन को बेहतर करें। और जो महिला गर्भवती है वो गर्भावस्था के दौरान भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करें, क्योंकि ईश्वर के यही दो स्वरूप ऐसे हैं जो किसी भी चीज को बदलने की या बेहतर करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए देखिए ज्यादातर महिलाएं भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं। मैं भी यही कहूंगा कि अगर आप गर्भवती हैं तो आप ज्यादातर भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान कृष्ण का मंत्र है, उनकी स्तुति है, उनकी चालीसा है, वो पढ़ें और अपने कमरे में भगवान कृष्ण के बचपन का एक चित्र लगाएं ताकि आप बराबर उसे देखती रहें। और जब भी आपको समय मिले, आप खाली हों, हरिवंश पुराण पढ़ें। हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा एक ही दिन में पढ़ लीजिए, 2 पेज 4 पेज 10 पेज 20 पेज कहानी की तरह आराम से उसका अर्थ सुंदरता से पढ़िए, तो भगवान कृष्ण को समझने का और उनकी लीलाओं में डूबने का अवसर प्राप्त होगा, आपके मन की पवित्रता की स्थिति बढ़ जाएगी। और अगर आपने 9 महीने ऐसा किया तो जो गर्भ की संतान है उसके ऊपर बुरे ग्रहों का ज्यादातर प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस उस बच्चे के अंदर ऑटिज्म होने की, मानसिक बीमारी होने की या बच्चे की बुद्धि में कोई समस्या होने की संभावना नहीं बनेगी। तो बाकी आप कुछ भी करती हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जितना खुश रहें, जितना पवित्र रहें, जितना आनंदित रहें और जितना भगवान में समर्पित रहें, आपका बच्चा भी उतना ही ज्यादा तेजस्वी, बुद्धिमान और अच्छा जन्म लेगा।